शांति। आज की तारीख है 9/3/19। आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा की ज्ञान मुरली। तो मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे घड़ी घड़ी बाप और वर्षे को याद करो। बाप रूहानी सर्जन तुम्हें निरोगी बनने की एक ही दवा बताते हैं कि बच्चे मुझे याद करो। प्रश्न है, अपने आप से कौन सी बातें करो तो मजा आ जाएगा। उत्तर है, अपने आप से बातें करो कि इन आँखों से जो कुछ भी देखते हैं ये तो सब खत्म हो जाना है, बस हम और बाबा ही रहेंगे। मीठे बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। ऐसी ऐसी बातें करो, एकांत में चले जाओ तो बहुत मजा आएगा। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर एक है, एकांत में बैठ बाप को याद कर कमाई जमा करनी है, अपने अंदर चेक करना है। याद के समय मन भागता तो नहीं है? हम कितना समय स्वीट बाप को याद करते हैं? नंबर दो, सदा इससे ही खुशी में रहना है कि हमें बाबा ने रावण के पिंजरे से मुक्त कर दिया। अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां न गर्मी है न सर्दी, जहाँ सदा ही बसंत ऋतु है। वरदान है, रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज्य सो विश्व राज्य अधिकारी भव। बाबा कहते हैं कि संगम युग पर जो बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, वही स्वराज्य और विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। आज स्वराज्य है, कल विश्व का राज्य होगा। आज और कल की तो बात है। ऐसी अधिकारी आत्मा रूहानी नशे में रहती है और नशा पुरानी दुनिया का सहज भुला देती है। अधिकारी कभी कोई वस्तु के, व्यक्ति के और संस्कार के अधीन नहीं हो सकते। उन्हें हद की बातें छोड़नी नहीं पड़ती है, स्वतः ही छूट जाती है। स्लोगन है, हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।